हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 29th of June 2020। और कल का थोड़ा बचा हुआ पोर्शन था जो करंट अफेयर्स स्पेसिफिक पार्ट था, तो वो भी हम आज कवर कर लेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज, दे कैन जॉइन अस फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। नीचे लिंक्स दिए हैं एंड थैंक्स फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स विच वी आर गेटिंग फॉर द सीरीज। एंड आप लोगों ने जो आज हमने वीडियो अपलोड किया, पहला वीडियो लेक्चर 1 अपलोड किया, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है जिन्होंने भी इसको सराहा है, थैंक्स फॉर दैट, दैट इज़ वेरी वेरी मोटिवेटिंग। एंड और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको आगे मिलने वाला, सो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। ओके, सो यू विल बी गेटिंग वेरी गुड कंटेंट एंड बहुत ज़्यादा आपको मजा आने वाला है इस पूरी सीरीज़ में। आई होप यू पीपल विल एंजॉय द सीरीज। तो दोज़ हू वांट टू जॉइन, दे कैन जॉइन अस फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया वेयर वॉकिंग सफारी इज परमिटेड। इंडिया में केवल एकमात्र ऐसे नेशनल पार्क है जहाँ पे वॉकिंग सफारी परमिटेड है इनमें से। तो ऑप्शंस आर ए सतपुड़ा नेशनल पार्क, बी गोरुमारा नेशनल पार्क, सी बांधवगढ़ नेशनल पार्क या डी मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ए विल बी द आंसर आपके लिए। नाउ क्वेश्चन ये है कि बाकी के इन सब चारों की लोकेशन क्या है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए सतपुड़ा, गोरुमारा, बांधवगढ़ और मथिकेट्टन शोला ये कौन कौन से स्टेट में लाई करते हैं। दिस विल बी द क्वेश्चन फॉर यू। सेकेंड क्वेश्चन इज नैमिषा 2020। नैमिषा 2020 सम टाइम्स सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय। तो नैमिषा 2020 इवेंट इनमें से किसने ऑर्गेनाइज किया। ऑप्शन आर संगीत नाटक एकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट या इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR जिसे बोलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजर्स दिस नैमिषा 2020। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। तो द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA ये न्यू दिल्ली में है। इट विल ऑर्गेनाइज ऑनलाइन नैमिषा 2020 समर आर्ट प्रोग्राम। ये समर आर्ट प्रोग्राम है बेसिकली जो कि 8 जून से स्टार्ट हुआ था एंड COVID-19 आउटब्रेक के टाइम में अपनी ऑडियंस तक पहुँचने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, नैमिषा 2020 बाई नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। अब रिवर्स के नाम है सुवर्ण रेखा, वंशधारा, बैतराणी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी बहती है उड़ीसा के थ्रू, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली या 1, 2 and 3। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी 1, 2 and 3। चारों के ये तीनों की तीनों यानी कि सुवर्ण रेखा, वंशधारा और बैतराणी यहाँ से निकलती है। तो ये आप याद रख सकते हैं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू हैव क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। एक और चीज़ आपको याद रखें कि वंशधारा जो रिवर है उसके बीच में दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, वो है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो अगर आपको कोई पूछे कि वंशधारा डिस्प्यूट किन दो नदियों के बीच में, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में ये वंशधारा डिस्प्यूट है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। पहली जो न्यूज़ है वो है द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड एन असिस्टेंस ऑफ $500 million अंडर स्टार्स प्रोग्राम। तो अब एक न्यूज़ में आया स्टार्स प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसने $500 million का असिस्टेंस देने की बात की है। तो स्टार्स प्रोग्राम क्या है? स्टार्स स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। याद रखिएगा, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, ये है स्टार्स प्रोग्राम। अब इसका एम क्या है? द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट्स। भारत के 6 स्टेट्स में जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है, क्वालिटी एंड गवर्नेंस है स्कूल एजुकेशन का, उसको इम्प्रूव करना है। वो 6 स्टेट कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। दीज आर द 6 स्टेट्स। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। इंप्लीमेंटेशन जिसका होगा वो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जाएगा। इट इज वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ इंडिया। तो ये इंप्लीमेंटेशन जो होता है ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत होगा। फीचर्स अगर आप देखें तो इट विल फोकस ऑन द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन सर्विसेज एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो एजुकेशन सर्विसेज किस तरीके से अवेलेबल है, कैसे उसकी डिलीवरी की जा रही है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर रहेगी। टीचर्स को इक्विप किया जाएगा फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, डिमांड्स को एड्रेस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली इसके अंदर फीचर्स में है। तो समग्र शिक्षा अभियान अगर आपको पता हो तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस है और कोर स्कीम में क्या डिफरेंस है, कोर ऑफ द कोर कौन सी स्कीम होती है? ये 4 आपको क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताने हैं। नहीं बता पाओगे तो कल चलो मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको कवर करा दूंगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है समग्र शिक्षा अभियान,
एटलीस्ट सेंटर सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में थोड़ा डिफरेंस बताई देना, ठीक है ना। एंड इस समग्र शिक्षा अभियान के अंदर का तीन अलग अलग स्कीम्स हैं जिनको बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन स्कीम। तो ये तीनों इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना। और ये प्री स्कूल से लेकर के ट्वेल्थ तक का पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कीम है। अगली जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल अंडर प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल स्टार्ट किया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्लैटिना। याद रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है। एंड ये लॉन्च किया गया है बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बाय द चीफ मिनिस्टर, और नाम है प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट प्लैटिना। कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी आप सबको पता होनी चाहिए, जैसे किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस या COVID-19 का अटैक आया, मतलब उसका इन्फेक्शन हुआ, लेकिन वो व्यक्ति सिम्टम नहीं शो किया और उसने क्या किया, एक तरीके से वायरसेस को ओवरपावर कर दिया। मतलब उस व्यक्ति की जो एंटीबॉडीज थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उन्होंने कोरोना वायरस को हरा दिया। तो ऐसे व्यक्ति का जो एंटीबॉडीज है उनको लिया जाएगा, और एंटीबॉडीज कहां लाई करते हैं, वो प्लाज्मा में लाई करते हैं, जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें लाई करते हैं। तो वहां का प्लाज्मा लेकर के किसी ऐसे व्यक्ति को डाल दिया जाएगा जो व्यक्ति ऑलरेडी उसके इंफेक्शन से जूझ रहा होगा। तो ये कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है और एक लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल जो होंगे वो प्रोजेक्ट प्लैटिना के अंतर्गत महाराष्ट्र स्टेट कंडक्ट करवाएगा। सो दिस इज द न्यूज विच इज इंपॉर्टेंट। तीसरी जो न्यूज़ है वो है अ कंसेशन एग्रीमेंट है साइंड बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो इंडिया और भूटान के बीच में कंसेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया, और ये कंसेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कारण। इसका नाम है खोलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी लिमिटेड। याद रखिएगा, खोलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी लिमिटेड, अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस कंट्री में लाई करता है, तो ये बेसिकली वहाँ पे त्रशिंगयात्से नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे त्रशियांगत्से। याद रखिएगा, दिस इज द नेम ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट त्रशियांगत्से, और ये जो है आपका भूटान में ही लाई करता है, और ये खोलोंगछू रिवर है वहाँ पे जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रहेगा, इस कारण से इसका नाम भी खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड रहता है। और ये इंडिया और रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान जो है उनके बीच का एग्रीमेंट है, बेसिकली कंसेशनल एग्रीमेंट, ठीक है ना। पीएम एफएमई स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू जनरेट 9 लाख एम्प्लॉयमेंट्स। अब एक नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है पीएम एफएमई। ओके, तो पीएम एफएमई यानी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। अब देखो, नाम से ही ये स्कीम क्लियर हो जाती है कि ये फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड है, तो आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंतर्गत का ही ये पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली ये स्कीम लॉन्च की है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। नाम है इसका प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, ये लॉन्च की गई है। एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। तो यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है, एंड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। याद रखिएगा, इसका जो ओवरऑल एम है, इट इज़ टू सपोर्ट द लोकल अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग, जो लोकल अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है कंट्री की, उनको सपोर्ट करना है, और उनको सपोर्ट करना है फिनेंस के रूप में, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, उनके रेवेन्यू टारगेट्स को बढ़ाना है, ये सब करना है। और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में ये माइनर प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में ये माइनर प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। दिल्ली गवर्नमेंट टू सेटअप प्लाज्मा बैंक एट ILBS, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज जो है, या बिलियरी साइंसेज जो भी आपको बोलना है, डॉक्टर्स जो होंगे आप में से या मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे वो एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, बाइलियरी, अपन तो चलो यही बोलते हैं बाइलियरी। तो इन द आई थिंक, पता नहीं है, बिली रूबिन रूबिन तो नहीं है कुछ, देख लेना, बाइलियरी याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज। द प्लाज्मा बैंक विल बी सेटअप हेयर, एंड ये जो रहेगा ये फर्स्ट प्लाज्मा बैंक रहेगा इंडिया का, इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक आप इसको बोल सकते हैं। तो पहला इंडिया का प्लाज्मा बैंक कहाँ आने वाला है, ये न्यू दिल्ली में आने वाला है, और कहाँ आने वाला है, ये आने वाला है ILBS, यानी कि इंडियन यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज। अगली जो न्यूज़ है वो है एंथ्रोपॉज। तो रिसर्चर्स हैं बेसिकली यूके के जो कि रिसर्च करने स्टार्ट कर रहे हैं टू स्टडी द टर्म एंथ्रोपॉज। अब ये जो टर्म एंथ्रोपॉज है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि एंथ्रोपॉज क्या है, तो ये रिफर करता है COVID-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन पीरियड को। तो COVID-19 के कारण जो लॉकडाउन पीरियड आया उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज पॉज हो गई, तो इसलिए इसको एंथ्रोपॉज बोला जा रहा है। तो एंथ्रोपॉज इज द टाइम पीरियड ऑफ लॉकडाउन दैट वॉज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ COVID-19। तो COVID-19 यानी कोरोना वायरस
19 के कारण जो ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं की गई, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, उसको हम एंथ्रोपॉज बोल रहे हैं। और ये जो रिसर्च होगी बेसिकली क्यों की जा रही है, तो स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपॉज एंड स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपॉज ऑन अदर स्पीशीज एज वेल। अगली जो न्यूज़ है वो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के रिगार्डिंग। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल न्यूज़ में था तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी इन 1958 अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT। पहले ये DPIIT तो था नहीं, पहले ये डिप था, DIPP था, जिसको अब 2019 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड बना दिया गया है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल 1958 में बनी थी, ऑटोनॉमस बॉडी है और वो DPIIT के अंतर्गत आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ही आ जाएगी। तो अगर आपसे कहीं कोई पूछे कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर। अब नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का मेजर एम क्या है, द एम इज टू प्रमोट इनोवेशन लेड प्रोडक्टिविटी इन सस्टेन्ड मैनर इन ऑल स्फीयर्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी के हर स्फीयर में इनोवेशन लेड प्रोडक्टिविटी करने की कोशिश करना, इनोवेशन लेड प्रोडक्टिविटी होने की कोशिश करना, यही इसका मेन एम है। अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द प्रेसिडेंट एंड जो सेक्रेटरी होता है DPIIT का वो चेयरमैन होता है। याद रखिएगा, इसका प्रेसिडेंट जो होता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का, वो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है इसका और जो इसका चेयरमैन होता है वो सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए, इट इज़ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे बेस्ड है, तो वो टोक्यो बेस्ड है, उसका एक कंस्टिट्यूएंट भी है ये। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एशियन प्रोडक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी रह चुका है। तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहां पर है, टोक्यो बेस्ड है, और इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर रह चुका है, ठीक है ना। अब आज का जो एडिटोरियल था, जो लीड एडिटोरियल था जो हम डिस्कस करेंगे, वो है मेकिंग सेंस ऑफ चाइनाज कैलकुलेशंस। ये M.K. नारायणन द्वारा लिखा गया आर्टिकल था, और ये जो आर्टिकल था इट वॉज ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसके ने काफी ज्यादा कैजुअलिटीज थी वो गलवन एरिया में, जिसने कॉज की है ना, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया था। तो बैकग्राउंड आप सबको पता है कि दोनों इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा लड़ाई हुई गलवन एरिया को लेकर के, और फेस ऑफ जो हुआ मैंने बताया था 5 पॉइंट्स पे हुआ। देखो चाइना की जो हमेशा से थ्योरी रही, स्ट्रेटेजी रही, वो द पाम एंड द 5 फिंगर्स रही है। पाम एंड द 5 फिंगर्स में पाम क्या है, वो तिब्बत है। 5 फिंगर्स में पहला तो है लद्दाख, दूसरा है आपका ये भूटान, तीसरा है आपका नेपाल, चौथा है सिक्किम एंड पांचवा है आपका जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। तो ये 5 फिंगर्स एंड द पाम स्ट्रेटेजी पे चाइना काम करता है, जिसके अंतर्गत वो गलवन वैली को हड़पने की कोशिश कर रहा था। ये सारी चीज़ें बेसिकली उन्होंने की, यही चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई हैं सबसे पहले, ठीक है ना। अब ऑथर जो है वो इंडियन साइड और चाइनीज साइड दोनों बता रहे हैं। तो इंडियन साइड में तो ऑब्वियस सी बात है, हमने हमेशा चाइना के जो उनका बिट्रेयल था उसके बारे में बोला, और जो अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो ऑल्सो एक्यूज चाइना ऑफ इनक्रोचिंग द पार्ट्स इन द गलवन वैली और पेंगोंग सू रीजन। तो उन्होंने भी पहले ही क्लेम किया हुआ था। चाइना का अगर देखा जाए तो चाइना ने इंडिया को क्लियर कट दे दिया है कि 2013 में उन्होंने देपसांग वाले रीजन को उन्होंने बेसिकली हथियाने की कोशिश की थी, एंड देन चुमर रीजन था 2014 में, ये स्टैंड ऑफ का रीजन में था। 2017 में दोकलाम हुआ था, तो देपसांग 2013 में, चूमर 2014 में, दोकलाम 2017 में, और अब जाकर हमने देखा कि गलवन में ये स्टैंड ऑफ शुरू कर दिया है। दो एक नई सिचुएशन डेवलप हो रही है जिसके कि हमको बहुत ज्यादा केयरफुल एनालिसिस करने की जरूरत है ऑथर के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर पॉइंट 14 जो LAC का पॉइंट 14 है, PP यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो है, अगर वो चाइना कैप्चर कर लेता है तो इट विल गिव देम अ स्ट्रांग होल्ड ओवर द न्यूली कंप्लीटेड एंड स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड। तो अगर ये पॉइंट 14 को कैप्चर कर लेता है चाइना, तो DBO रोड जो कि इंडिया ने अभी कंस्ट्रक्ट की थी, जिसका नाम है दारबुक शोक, याद रखिएगा दारबुक शोक ये रिवर्स के नाम है, शोक भी नदी है, दारबुक भी रिवर है, और दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है बेसिकली वो इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा था, जिस कारण से चाइना फिर गुस्सा हो गया और उन्होंने ये सब किया। तो अगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया पेट्रोलिंग पॉइंट 14, तो इट विल गिव देम वेरी गुड स्ट्रांग होल्ड ओवर द रीजन। और ये जो रोड है बेसिकली कनेक्ट करती है काराकोरम पास को, लीड करती है, तो वो पूरा उनके एक तरह से अंदर आ जाएगा।
स्टेटस को चेंज हो सकता है, जैसे कि गलवन वैली पूरी की पूरी चाइना के पास चली है तो स्टेटस को बदल देगी। अब अगर हम देखें कि क्या एम्बिग्यूटीज़ हैं LAC के रीजन में, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या एंड मतलब कि क्या प्रॉब्लम है, चाइना क्लेम करता है कि नवंबर 1959 वाली जो लाइन है वो उनकी है, और इंडिया क्लेम करता है कि 1962 वाली सितंबर 1962 वाली LAC है। तो ये क्या है, दोनों के ही बेसिकली जो एनालिसिस है LAC को लेकर के वो डिफरेंट रहा है, और आज तक कोई भी ऐसा समझौता नहीं हुआ है जो कि फुल्ली तरीके से LAC को समझा सके। तो ये शॉर्टकमिंग है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है। इसके अलावा जो शॉर्टकमिंग्स है वो क्या क्या है, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक कमी ये है कि दे नेवर क्लेम होल ऑफ एक्साइज चीन एज देर ओन, तो वो ओवरलुक करते हैं हमेशा जो अपीजमेंट है चाइना का वो करने लगते हैं। तो वो कभी भी जैसे चाइना एग्रेसिवली क्लेम करता है कि एक्साइज चीन उनका है, वैसे कभी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता है। दूसरा अगर हम देखें, एक्साइज चीन जो है इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू ऑफ द मोस्ट ट्रेवल्ड रीजन ऑफ चाइना। चाइना के दो बहुत ट्रेवल्ड रीजन है जिनजियांग एंड तिब्बत, उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी जो है एक्साइज चीन प्रोवाइड करता है। और क्या है कि ये हमारे कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं फिट बैठता, और हमने कभी एक्साइज चीन हमसे ले लिया गया एक्साइज चीन लेकिन हमने कभी क्लेम भी नहीं किया, तो ये भी प्रॉब्लम है हमारी पॉलिसी में। देन चाइना के रिजर्वेशंस को हम ओवरलुक करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया कि सिंगल हैंडेडली लद्दाख को हमने UT बना दिया, लेकिन वहीं पर हमने चाइना के जो कंसिडरेशन थे या उनके जो रिजर्वेशन थे उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, तो ये भी एक रीज़न था कि उनको हमने गलत टाइम में एंग्री कर दिया, ठीक है ना। और चाइना का अगर देखा जाए तो ऑथर के अकॉर्डिंग ये है कि चाइना का कभी कंसीलमेंट रहा ही नहीं, तो उनके लिए कभी ऐसा नहीं कि ये परफेक्ट टाइम था कि गलत टाइम था, दे हैव नेवर कंसील्ड देयर एंड ऑल एंड दे यूज देयर इंटेलिजेंस वेरी इफेक्टिवली, वो अपने इंटेलिजेंस को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। इंडिया ने भी इस बार हाई क्वालिटी इमेजरी इंटेलिजेंस यानी कि IMINT जिसको बोलते हैं हाई क्वालिटी इमेजरी इंटेलिजेंस का यूज़ किया और सिग्नल इंटेलिजेंस का यूज़ किया, लेकिन धीरे धीरे जो ये हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं ये डिक्रीज होती जा रही हैं। अब ये डिक्रीज क्यों होती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट था, उसने डिसीजन ये लिया है टू डिसमेंटल द जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, तो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी को डिसमेंटल करने का डिसीजन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने ले लिया है। और जब ये जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी डिसमेंटल हो गई है तो फिर ये इस कारण से जो हमारा एनालिसिस पार्ट है इंटेलिजेंस का वो थोड़ा वीक हो जाएगा। ऑथर का भी यही कहना है कि इंडिया में जो एनालिसिस होता है इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस गैदरिंग अच्छी है लेकिन उस गैदरिंग से उसका बिग डेटा एनालिसिस करके उससे जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो निकालना बहुत ज्यादा पुअर है इंडिया का, इस कारण से हम प्रॉपर इंटेलिजेंस का यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अब ऑथर ने समिट डिप्लोमेसी का उसका ड्रॉबैक बताया है कि जो समिट डिप्लोमेसी समिट लेवल पे मिलते हैं डिप्लोमेसी मिलते हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। समिट डिप्लोमेसी हैज टेंडेड टू मार्जिनलाइज द MEA विद रिगार्ड टू पॉलिसी मेकिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल होना चाहिए वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस समिट डिप्लोमेसी एंड द जनरल टिल्ट टूवर्ड्स द US हैज रिजल्टेड इन एन इम्बैलेंस। तो जब हम जो हमारा टिल्ट है वो USA की तरफ ज़्यादा है तो इस कारण से एक बैलेंस आता जा रहा है जिस कारण से हमारे समिट्स चाइना के साथ बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो रहे हैं। 29 जून अगर देखा जाए तो ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो होता है वो 20 अक्टूबर को होता है, आज जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 2007 में, ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस, PC महालनोबिस बेसिकली, फॉर एस्टैब्लिशिंग द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम सेटअप किया था इन्होंने। अब आपको इससे इकॉनमी का एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ, जो पहला इकॉनमी का फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था वो हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड था, हैरड एंड डोमर मॉडल पे। जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था उसे एक सोशलिज्म का मॉडल बोला जाता है और ये PC महालनोबिस प्लान के अंतर्गत वो था, ये भी याद रखना। इस बार की जो थीम है वो है SDG 3, यानी कि इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस एंड SDG 5 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल द वुमेन एंड गर्ल्स। तो SDG 3 एंड SDG 5 आर द थीम्स फॉर दिस स्टैटिस्टिकल डे, ओके। अगला जो न्यूज़ है वो है शेड्यूल्ड बैंक्स की डेफिनेशन, तो ये भी न्यूज़ में आया था, शेड्यूल्ड बैंक्स न्यूज़ में थे। तो एक ऐसा बैंक जो कि सेकंड शेड्यूल में मेंशन है RBI एक्ट 1934 के, तो RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में आने वाले जो बैंक होते हैं वो शेड्यूल्ड कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, ठीक है ना। एंड दो कंडीशन होनी चाहिए, दे शुड द पेड अप कैपिटल एंड कलेक्टेड फंड ऑफ द बैंक शुड नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज़, जो कलेक्टेड फंड है और पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, एंड एनी एक्टिविटी ऑफ द बैंक शैल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स।
इंटरेस्ट, डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वहीं कमर्शियल बैंक्स को देखें तो इट रिफर्स टू बोथ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड, ये दोनों के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल शेड्यूल्ड बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड नहीं होते, दोनों के दोनों कमर्शियल हो सकते हैं। एंड ये रेगुलेट होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से ये रेगुलेट होते हैं। अब DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड भी न्यूज़ में था, इसके बारे में बताया तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में, कब इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था, और 2000 में रिकंस्टिट्यूटेड किया गया था इसको, उसके बाद 2019 फरवरी में इसको रीनेम कर दिया गया, पहले इसका नाम डिप था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन था, फिर उसके बाद DPIIT कर दिया गया, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। एक लास्ट जो न्यूज़ है वो है रेयर बायोलॉजिकल फिनोमिनन हैज़ बीन स्पॉटेड इन ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज में एक रेयर बायोलॉजिकल फिनोमिना देखा गया जिसको बोलते हैं गाइनैंड्रोमॉर्फिज्म। अब ये है क्या, बेसिकली एक ड्रैगन फ्लाई होती है उसमें द स्कारलेट स्कीमर जो कि कोल वेटलैंड्स आपके केरला में है, तो यहाँ पे दो तीन फैक्ट देखो मिल रहे हैं, एक तो गाइनैंड्रोमॉर्फिज्म देखने को मिला, देन हमको दूसरा एक फैक्ट मिला कोल वेटलैंड्स के बारे में, तो कोल वेटलैंड्स आपके केरला में है ये भी आपको याद रख लेना है। और जो ड्रैगन फ्लाई थी वो थी स्कारलेट स्कीमर ड्रैगन फ्लाई थी, इसको क्रोकोथेमिस सर्विलिया बोलते हैं, क्रोकोथेमिस सर्विलिया। इसका जो गाइनैंड्रोमॉर्फिज्म है वो क्या है, इट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल टिश्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऐसा बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों टिश्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ठीक है ना, गाइनैंड्रोमॉर्फ कहा जाता है उनको, तो गाइनैंड्रो मतलब गाइनिक वाला जो पार्ट है वो वुमेन का है, और जो एंड्रो वाला पार्ट है वो मैन का है, एंड मॉर्फ वाला पार्ट फॉर्म है, तो एक ऐसा फॉर्म जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हों, गाइनैंड्रोमॉर्फिज्म होता है, ठीक है ना। एंड ये क्यों होता है, बेसिकली इट्स अ जेनेटिक एबरेशन, तो याद रखिए कि एक जेनेटिक एबरेशन है, एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या म्यूटेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, तो गाइनैंड्रोमॉर्फिज्म ये लास्ट न्यूज़ थी जो आपकी द हिंदू न्यूज़पेपर की आज की थी। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।